द्वारा कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ इंदौर के डीआईजी कार्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया गया व रीगल चौराहे पर पुतला दहन भी किया गया। दरअसल हिंदू जागरण मंच इंदौर विभाग मालवा प्रांत के प्रचार प्रमुख राजपाल जोशी का कहना है कि भोपाल के विधायक आरिफ मसूद द्वारा इकबाल मैदान भोपाल में राष्ट्र विरोधी कार्य एवं आतंकवाद का समर्थन व प्रोटेम स्पीकर को जान से मारने की धमकी देने पर रासुका के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। मंच के लोगों द्वारा डीआईजी कार्यालय परिसर में नारेबाजी की गई और पुलिस के आला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि भारत के मित्र देश फ्रांस के विरुद्ध ऐसा प्रदर्शन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की श्रेणी में आता है जो आरिफ मसूद द्वारा भोपाल में किया गया। इस दौरान उन्होंने कोरोना का भी हवाला दिया और कहा कि 10,000 लोगों की भीड़ एकत्रित कर कोरोना की गाइडलाइन मास्क फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन न कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया गया। हिंदू जागरण मंच के लोगों द्वारा आरिफ मसूद पर सख्त कार्यवाही की मांग ज्ञापन में कही गई। रोल सर, गुर्जर आंदोलन का असर कहीं ना कहीं रतलाम मंडल की रेल व्यवस्था पर भी पड़ा है। कितनी ट्रेनें प्रभावित हुई हैं इससे और क्या समस्याएं आ रही है? देखिएगा, जैसे गुर्जर आंदोलन चल रहा है और राजस्थान में उसका काफी लोग ट्रैक पे आए हुए हैं, तो ये कोटा डिवीजन के अंदर ये जो है ट्रैक जहाँ पे ये लोग ट्रैक पे आके बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारी काफी गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। हमारी अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर से नई दिल्ली जाती है वो प्रभावित है यहाँ से, उसको बाया हम लोग सवाई माधोपुर जयपुर होते हुए रवाना चल रही है। साथ में जो मुंबई से और अहमदाबाद साइड से जो गाड़ियां आती हैं करीब 20 के आसपास गाड़ियां हैं, एवरेज अगर देखा जाए तो 18 से 20 गाड़ियां डेली रन करती हैं, उनको हम लोग बाया सवाई माधोपुर और जयपुर होते हुए और कुछ गाड़ियों को बाया उज्जैन और भोपाल होते हुए रवाना कर रहे हैं, क्योंकि रेल प्रशासन का मेन मकसद होता है सुरक्षित यात्रा कराना, तो हम लोग ट्रेन का संचालन भी कर रहे हैं और उनको अपने गंतव्य तक भी भेज रहे हैं। तो कुल मिला के काफी गाड़ियां प्रभावित हो रही हैं डेली। सर, बात करें ट्रेनों की, त्योहारी सीजन है और...